मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है बीजेपी। सीएम ने कहा विकास और जन कल्याण के कामों से जनता को कराएंगे अवगत। पार्टी पूरी तरह तैयार है, जनता पार्टी जनता के बीच में काम करती है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माताओं बहनों और नौजवानों के लिए काम कर रही है, और मध्य प्रदेश की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और विकास के काम कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि कोरोना के संकट के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, बाप इसके हमने विकास के काम रुकने नहीं किए, तो विकास और जन कल्याण इन दोनों को लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे, वही हमारी तैयारी। चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर इशारों में कसा तंज, कहा वंशवाद और परिवारवाद से हमेशा दूर रहती है बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में कुछ समय थोड़ी लगता है, पार्टी विचार करती है और फैसला करती है। देख, पार्टी हमारी ऐसी है कि जहां ना कोई अलग नाम जाते, ना कोई गुटबाजी है, हमारी पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। वंशवाद, परिवारवाद, दूसरी चीज, इन सबसे सर्वथा दूर रहकर पार्टी का स्थानीय नेतृत्व, प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करता है, केंद्रीय नेतृत्व अंतिम रूप से फाइनल करता है। अरुण यादव के उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर सीएम ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेरा, कहा कौन आ रहा है, जा रहा है, क्यों नहीं लड़ रहा है, ये तो कमलनाथ ही जाने। ये तो कांग्रेस जाने भैया, क्यों मना कर रहे हैं, उनका घर देखे, मैं वही तो कह रहा था जिसके कारण नाराज हो गए थे कमलनाथ जी। अपना घर संभालो, अपना घर देखो भैया, अब कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन मना कर रहा है, क्यों नहीं लड़ रहा है, ये तो वो देखे और वो जाने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा बिना FIR के प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका जी क्या चाह रहे हैं, वे शोक संतप्त परिवारों से मिलना ही चाह रहे हैं, अपना दुख जताने के लिए जाना चाह रहे हैं, इसकी क्या इतराज। अरे आप चाहते हैं कि वहां की व्यवस्था ठीक रहे, अरे पुलिस उनको संरक्षण में 2-3-4 लोग उनके साथ रहे, उन्हें जाके मिलवा दीजिए। आज लगभग 30-32 घंटे हो गए हैं बिना कारण के, बिना अरेस्ट वारंट के उनको उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, और गिरफ्तारी भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे डिटेन किया हुआ पूरे तरीके से अवैधानिक रूप से, ये उनको रोका गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया गया। किसान कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना को लेकर भोपाल में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए। लखीमपुर में जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुस्तान हर किसान की आत्मा को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किया है, हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है, 4-4 लोगों को कुचल के हत्या की गई है, उसको सजा फांसी की सजा होना चाहिए, ये मांग को लेके फिर काला कानून वापस हो, इस मांग को लेके प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की एकमात्र नेता है जिन्होंने लखीमपुर घटना पे जाके तुरंत वहाँ विरोध प्रदर्शन करने गई, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गई, वहाँ किसान गरीबों की आवाज दबाने का काम जो पुलिस ने, योगी सरकार ने किया, उनको जो गिरफ्तार किया उसकी हम निंदा करते हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रानी दुर्गावती की जयंती के कार्यक्रम का आयोजन, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय शाह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। ग्वालियर के बिलौआ क्रेशर मार्केट में ट्रक चालकों के दस्तावेजों की जांच, SDM और तहसीलदार से ट्रक चालकों की बहस, वीडियो हुआ वायरल। तो ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी आई है, तो कलेक्टर महोदय ने प्रशासन उनको एक समिति गठन करने का बोला है कि वो दल रहेगा, वो इस तरह की शिकायतों की जांच करेगा और समय समय पर वहाँ पर जाकर देखेगा और उसे इस प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में उसको जांच करके उनसे बोला है, और यदि है तो पहले चेतावनी जारी करें, उसके बाद जो उसके बाद भी सुधार नहीं होता है आगामी।
नरसिंहपुर के साई खेड़ा में कोटवार संघ ने अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल की। कोटवार संघ ने अपनी मांगों के संबंध में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी घटना और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपना आक्रोश दिखाया। प्रदर्शनकारी प्रियंका गांधी की रिहाई की कर रहे थे मांग। आस्था नेशनल हाईवे पर एक चलते स्कूटर में लगी आग, वाहन चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। कुछ ही सेकंड में स्कूटर जलकर हुआ राख। महिलाओं के ब्लू गैंग ने लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए नई पहल की। नाच गाकर लोगों को बताती है नशे के दुष्परिणाम। पुलिस ने भी की ब्लू गैंग की तारीफ। भार्गव कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड पटवारी फूलचंद प्रजापति के निवास पर गोली चलाने की घटना आई सामने। अज्ञात लोगों ने चलाई गोली, पुलिस जांच में जुटी। साईखेड़ा थाने में नवरात्र पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। बैठक में नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी ने नवरात्रि का पर्व शांति से मनाने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील। बड़वानी की मधुबन कॉलोनी में लोक एक्ट का छापा। आधार आईडी चालू कराने के लिए सीएसटी जिला प्रबंधक मोहसिन खान ने मांगी थी 10,000 की रिश्वत। लोक एक्ट की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। कुरई देहात थाने के धनौरी गांव में एक नवजात बच्ची मिली, जिसे देहात थाना पुलिस ने कुरई अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिडोरी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल का दो दिवसीय दौरा। शाहपुरा के राष्ट्रीय जीवाश्रम पार्क और जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव में कल्याण केंद्र का किया अवलोकन। तो उसकी अच्छी मांगे रहती थी और अच्छा उनको पति मिलता था, अगर पढ़ाई नहीं और किसी को भी शादी कर दी, दो तीन बच्चे हो गए तो घर का मालिक का पति। डिडोरी के चांडा में एक कार्यक्रम के दौरान माइक बंद होने पर भड़के कांग्रेसी। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी थे मौजूद। देखिए महामहिम जी हमारे क्षेत्र में है और महामहिम जी संवैधानिक पद है, वहाँ पर न्याय मिलता है। जितने भी दल हैं उनके संरक्षक और भोपाल के बीजेपी मुख्यालय पर हुआ प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हुए सम्मेलन में शामिल। कटनी में स्थापित होगा ऑयल कंपनियों के लिए टैंकर बनाने का प्लांट। प्लांट की संचालक नीति ठाकुर ने लिया फैसला। रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। अपने क्षेत्र को उन्नति देने के लिए मैं चाहती हूँ कटनी में जो चीज ऐसी नहीं हुई है वो यहाँ पर भी हो। फ्यूल टैंकर मैन्युफैक्चरिंग एक भी नहीं है कटनी में। उज्जैन में भस्म आरती के नाम पर पैसे लेने वाले 6 कर्मचारियों पर 420 का केस दर्ज। बाहर से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को बनाते थे निशाना। ये किस तरह का सामने आया है कि जो भस्म आरती की प्रक्रिया है, भस्म आरती में कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं जो निर्धारित शुल्क है उससे ज्यादा लेकर होटलों में जो लोग रहते हैं उनको कराया गया है। इस आधार पर 6 लोगों के। उज्जैन के माकरोनन में पुलिस और साइबर सेल की टीम को मिली सफलता। हथियारों तस्करों के साथ वाहन लूटने वाले बदमाश धराए। देसी कट्टे पिस्तल और कारतूस जब्त। 20-25 दिन पहले 12 सितंबर को प्रिसाइजली एक वारदात थाना माकरोनन क्षेत्र में हुई थी, जिसमें माधवनगर क्षेत्र से एक टवेरा को बुक करके लेकर आया गया था। जिन लोगों ने उसको बुक कराया था उन लोगों ने वहाँ माकरोनन क्षेत्र में उस गाड़ी का लूट खरीद की थी, जिस पर पेट्रोल पंजीकृत किया। और इसमें अलीराजपुर की जोबट सीट के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवार की घोषणा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल को बनाया गया उम्मीदवार। आज मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे क्षेत्र रतलाम के